इमली अचार निर्माण इकाई स्थापित करने के बारे में हमारे गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आवश्यक प्रारंभिक निवेश को विभाजित करेंगे जो दो श्रेणियों में आता है, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। सबसे पहले आइए स्थिर पूंजी के बारे में बात करते हैं, जिसकी राशि 3 लाख रुपए है। इसमें भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है। हम इमारत या एक शेड स्थापित करने के बारे में बात कर रहे हैं। आवश्यक मरम्मत, आंतरिक काम और फर्नीचर के साथ पूरा। याद रखें, हम पहले ही पिछले वीडियो में मशीनरी और उपकरणों पर चर्चा कर चुके हैं। स्थिर पूंजी में बीमा, लाइसेंस और परमिट जैसे खर्च भी शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास कार्यशील पूंजी है, जो कुल 3,50,000 रुपए है। यह आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक है। इसमें नकदी, लगभग 1 महीने की इन्वेंट्री और 4 सप्ताह तक की प्राप्य राशि शामिल है। हम मान रहे हैं कि सभी खरीद नकद में की गई हैं। कार्यशील पूंजी की यह गणना प्रारंभिक नकदी के जलने को भी प्रभावित करती है, जब तक कि आप लाभप्रदता तक नहीं पहुंच जाते। हमारे आगामी वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम जल्द से जल्द लाभप्रदता तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप लागत को कम करने के बारे में सुझाव साझा करेंगे। तो आपकी इमली अचार निर्माण इकाई के लिए कुल पूंजी निवेश 6,50,000 रुपए है। यह आपको अपने व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट वित्तीय खाका देता है। कृपया ध्यान दें कि 6,50,000 रुपए प्रतिदिन 160 किलोग्राम क्षमता व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी है। स्थिर पूंजी जुटाने के लिए दीर्घकालिक रोगी स्रोतों पर विचार करें, जिन्हें तत्काल पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं है, जैसे व्यक्तिगत बचत, मित्रों और परिवार से सहायता, साझेदारी या लाभ का पुनर्निवेश। दूसरी ओर कार्यशील पूंजी आपकी दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों की जीवन धारा है। यह वह है जिसका उपयोग आप कच्चा माल खरीदने और परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए करते हैं। इसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यह आपके बिक्री चक्र के साथ आगे बढ़ता रहता है, जो 1 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। इसके लिए उपयुक्त स्रोत छोटी से मध्यम अवधि के हो सकते हैं, जिसमें संभवतः निश्चित पुनर्भुगतान शामिल हो सकता है। विकल्पों में सामुदायिक संस्थान ऋण या ओवरड्राफ्ट और कम ब्याज दरों पर बैंकों से नकद ऋण सुविधाएं शामिल हैं। इस वित्तीय योजना रणनीति के साथ आप एक सफल इमली अचार निर्माण इकाई स्थापित करने की राह पर हैं। सब्सक्राइब टू व्यापार कोच चैनल।